पत्थर में ये विश्व रूप दर्शन ही प्रारंभ हो गया है। पत्थर में मनुष्य सोता है, पत्थर सोए है, चेतन है लेकिन घनीभूत चैतन्य है। इतना घनीभूत हो गया है वो चैतन्य, इतना गाढ़ा सोया, इतनी नींद है कि वो पत्थर जैसा जिधर उधर बैठा, जमीन में गाढ़ा है वो जमीन में गाड़ दिया गया है, ऐसा का वैसा। तो पत्थर जैसे निद्रित अवस्था में भगवान है। तितलियों में, फूलों में भगवान हंसता है, क्योंकि उन्हें देखकर हमें भी मुस्कान आ जाती है, हास्य आता है, रिफ्लेक्ट होता है। बादलों में मानो इधर उधर जैसे जाके सपने देख रहे कहाँ कहाँ के। प्राणियों में मनुष्य जागता है कि वो पत्थर नहीं रहा, अभी हिल डुल रहे, भौंक सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, जा सकते हैं। तो जाग गया, अभी सोया नहीं है। पत्थर में था तो सोया था, सपने देख रहा था तब भी सोया था, अब जाग गया है। और मनुष्य एक ही है जिसमें वो जान जाता है अपने आप को। साक्षात्कार का अर्थ साक्षात्कार, साक्षात मतलब अक्ष मतलब आंखें, साक्षात आंखों के सामने, अपनी आंखों से आकार, अपने आप को अपने आप से देख लिया, जीव गया और शिव को पाया। सोचा हूँ मैं शांत निरंजन, लागे मुझे न कोई बंधन। तो मनुष्य है अभी एक, केवल जागने के लिए नहीं है, सोने के लिए तो है ही नहीं, सपने देखने के लिए भी नहीं है, खाली हंसते रहने के लिए नहीं, ये साक्षात्कार करने के लिए है, वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने के लिए। और ये संभव है, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान। If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.